हेलो फ्रेंड्स, आज जो डिश मैं बना रही हूँ वो है ऑनियन डोसा। ऑनियन डोसा तो वैसे आप जानते हैं, लेकिन वो मैंने आज जो बनाया है वो एक अलग तरीके से है, अलग टेस्ट से है। प्लीज आइए, चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं, और खाइएगा, खिलाइएगा, और मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कैसा बना है। फ्रेंड्स, जो डोसा बनाने जा रहे हैं उसमें डालने वाला सामान इस प्रकार है। प्याज, 3 प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, और ये हरी मिर्ची है, 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने चॉप किया है। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक भी कर सकते हैं। धनिया पत्ती चॉप किया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर मैंने 3 चम्मच चाय के चम्मच से लिया है, और यह है करी पत्ता, इसको भी मैंने चॉप किया है, और यह है राई, और यह है डोसा का बैटर। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ फ्राइंग पैन में। तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें मैं पहले राई डालूंगी। राई डाल दिया है, अब मैं इसमें करी पत्ता, हरी मिर्ची थोड़ा सा फ्राई करूंगी। फ्राई करने से ये थोड़ा सा बढ़िया टेस्ट आ जाता है और कच्चापन नहीं रहता। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। इसमें धनिया पाउडर जो डाल दिखाया था वो भी मैं तेल में डाल रही हूँ। अब मैं इसको कम से 2 से 3 मिनट बस हल्का गुलाबी तक आने के लिए, हल्का सा बस ब्राउनिश हो जाए उतना ही मैं इसको फ्राई करूंगी। इसमें मैं हल्का सा नमक डाल रही हूँ जिससे जल्दी से फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, ये अब हल्का सा बस मैंने इसको हल्का सा बहुत ही मामूली फ्राई किया, सिर्फ 2 से 3 मिनट। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ गैस, और जो धनिया पत्ती था वो इसमें भी डाल रही हूँ। धनिया पत्ती डाल के, धनिया पत्ती डाल दिया, अब गैस कर दिया बंद। अब मैं इस मसाले को जो बैटर मेरे पास था उसमें ये डाल रही हूँ। हम चाहे तो इसको कच्चा भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चे का अलग टेस्ट है और भुने का उससे बढ़िया टेस्ट, भुने का इससे बढ़िया टेस्ट उठ के आता है। नमक मैंने इसमें डाल दिया, जो नमक आपको मैं दिखाई थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला है, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें चाहे तो प्याज और अधिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 3 प्याज डाला था इस बैटर में, आप इसमें प्याज और अधिक डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसको तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और जो ये बैटर मैंने तैयार किया है ऑनियन डाल के, इसको मैं इस पे डाल रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा ऑनियन डोसा बन रहा है, ये आप लोग को जरूर पसंद आएगा। इसको आप गाढ़ा भी कर सकते हैं, रख सकते हैं और जितना गाढ़ा। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब जब ये सीख जाएगा फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरह से यह हल्का पक गया है, अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। अब ये धीमे आंच पे सीखिएगा। फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर डोसा बना है। इसको आप खाइए, खिलाइए, अपने परिवार से शेयर कीजिए, और कैसा लगा ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।